बीच इनको लगी थी भूख पैकिंग करते करते, मैंने इनके मंगा दिया है पिज्ज़ा। ये पिज्ज़ा अपना लपेट रही है कोल्ड ड्रिंक के साथ। बोलिए बहुत प्यार से कोमल ने अपनी ननद को के लिए गिफ्ट लिया है, यानी मेरी बहन के लिए, कि सोच रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा चीज़ दे जो हमेशा याद रहे। उठ गए बाबू, आ जाओ आ जाओ। सोई थी, क्या हुआ, जा रही नानी के घर? नानी बाबू भी आ गई, सोई थी। बाबू मम्मा को डांट देना तो। ओए नहीं, ओए मम्मा को डांट देना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आप लोग का दिल से स्वागत है, और सबसे पहले आप लोग को हैप्पी रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन आज 30 तारीख है, 30-31 लोग को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन हमारे देश के जो महान महान पंडित हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं, सब लोगों ने कन्फ्यूजन दूर कर दिया है, क्योंकि कुछ भद्राकाल वगैरह की वजह से 30 को हम रक्षाबंधन नहीं मना पा रहे हैं, जिससे 31 को है। 31 को भी टाइमिंग है 11 बजे से है, 2 बजे से है, मतलब 4-5 मतलब ऐसे ही मुहूर्त निकला हुआ है। तो इसलिए इसी उपलक्ष्य में और उनके आप भी जाओ, उमर को मैंने बोला कि चलो आप भी जाओ अपने भाई को राखी बांध दो, क्योंकि भाई ये पता है ना, एक साल में एक बार त्यौहार आता है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मन खुश ना हो, दुखी हो, अच्छा नहीं लगता है। तो हम कहे चलो आप भी चले जाओ, बांध के आओ। और इसी बीच इनको लगी थी भूख पैकिंग करते करते, तो मैंने इनके लिए मंगा दिया है पिज्ज़ा। ये पिज्ज़ा अपना लपेट रही है कोल्ड ड्रिंक के साथ। बोली आप भी खा लो, कि हम नहीं खाएंगे पिज्ज़ा। नहीं, तीखा चटपटा होता है, बुखार में कुछ ऐसा खाने का मन करता है, इसलिए बोल रहा है। ये पता है, मैं वैसे भी ये सब चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ। आप दुबले हो गए, आप खाओ, आपको ठीक रहेगा। मैं मुझे ये सब सोट नहीं करता, और मुझे ये सब अच्छा नुकसान भी करेगा हेल्थ के लिए। अरे फिर भी ठीक है यार। तो भाई जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को इन तक देखना। भाई बहन का प्यार सबका ऐसा ही बना रहे, तो हम भी जाएंगे उनका राखी बनवाएंगे। अगर रक्षाबंधन आज ही हो पाता तो शायद मुश्किल हो जाता इनका जाना, क्योंकि टिकट भी नहीं था, अचानक से टिकट पता नहीं कैसे खाली मिल गया, तो इसलिए जा रही है, नहीं तो बहुत ही मतलब दुविधा हो जाता। या तीनों ने अपनी देखिए अलमीरा खोल रखा है, सारा कलेक्शन साड़ी का बहुत सारा है इनके पास, नहीं मिलता टिकट, नहीं चाहते। हाँ जी, ये तो नहीं जा रही थी, मैंने ही बोला ठीक है चले जाओ, हम देखते हैं ना यार। नहीं मेरा मन नहीं था जाने का, आप ही जबरदस्ती भेज रहे हो। कोई बात नहीं, चले जाओ। मैं इसलिए बोला ना, क्योंकि मम्मी ने क्यों फ़ोन किया था कि कोमल आ जाओ रक्षाबंधन पे, हो तो ठीक है। बोल पिछली बार भी नहीं आई थी, तो इस बार आ जाओ। हम कहे ठीक है चले जाओ। बाबू हमारी शो रही है अभी, मम्मी का मेरा बात ही बहुत मानते हैं, मैं सबका बात एक बार नहीं मानते हो। मैं सबका बात मानता हूँ, हो सकता है कोई किस पर्पज से बुलाए, कहाँ हो तक होता है ना। चलो भाई मम्मी है बुला रही है यार, ऐसा है तुझे बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छे से पकाया है, हमें लगा जल गया, लेकिन जला नहीं है, बहुत अच्छे से पकाया, दिखा दो। वो बोलते हैं ना कि हाँ भैया, आप कभी कभी जो अंदर से क्रीम होता है वो बहने लगता है, तो ऐसा नहीं है, उसमें तो लगा हो कि चलो भाई अच्छा पिज्जा बना के दें। नहीं, हम नहीं, तीन बाइट हम खा गए, सारा खा जाओ तुम, पूरा नहीं खिलाएंगे। खा जाओ दीदी। चलिए दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद, पहले पिज्जा खा ले, फिर इनकी पैकिंग करवाते हैं। आज शाम को निकलना भी है हम लोग को, क्या इनको निकलना है, और मुझे अगर जाना होगा तो मैं एक दिन बाद जाऊंगा, क्योंकि मैं भी भाई यार राखी है बनवाऊंगा उनके लिए। हमने गिफ्ट भी ख़रीदा है प्यारा सा, बहुत ही प्यारा है, जो आप लोग वो लोग ज़रूर दिखाएँ क्या है। बहुत प्यार से कोमल ने अपनी ननद को लिए गिफ्ट लिया है, यानी मेरी बहन के लिए, कि सोच रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा चीज़ दे जो हमेशा याद रहे, मतलब है तो उनके लिए है, तो जब भी वो वियर करेंगी या पहनेंगी देखेंगी तो याद रहेगी कि हाँ मेरे भाई ने रक्षाबंधन पे मुझे दिया था। तो पैसा तो सभी देते हैं, तो इन्होंने बोला कुछ डिफरेंट हो यार, जो इंसान के जीवन में हमेशा वही, तो कहे चलो आपकी भी सोच अच्छी है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आप लोग से कुछ देर बाद, अब तक इनकी पैकिंग हो जाए, पिज्ज़ा खा ले, कोल्ड ड्रिंक पी लें। सो गाइस, इनका पिज्ज़ा पार्टी ओवर हो गया है, और मैंने इनसे बोला कि आप अपना चूड़ी भी सब पहन के रेडी रहो, और फटाफट पैकिंग कर लो। बाबू का सबसे ज़्यादा कपड़ा रख लो, क्योंकि बच्चे को एक दिन में 2-3 कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं,
और सफ़र में उसके लिए हल्का कपड़ा पहनाना, ये पहना दे क्या टी शर्ट वगैरह जो भी पहनाना हल्का पहनाना चाहता ताकि उसको सोने में भी आराम मिले। तो ये अपना ज़्यादा कपड़ा नहीं ले जा रही हैं क्योंकि घर पे भी साड़ी ले जा रहे हैं तो कुर्ती बहुत है, ज़्यादा लगेज लेके क्या करोगे आप, अकेले जा रही हूँ, पर मैं होता तो ठीक था। तो आधा कपड़ा उधर उधर रखा हुआ है, मैं खुद बोला ज़्यादा सामान मैंने जब आधा सामान तुम्हारा घर पे है और घर पे भी कपड़े हैं तो वहीं पहन लेना। घर पे तो है लेकिन हम ऐसे एक दो रख ले रहे हैं जैसे अच्छा अच्छा जो साड़ी है। बाबू का बार क्या है, बाथरूम है ये, ये भी सही है, बाबू नहा के इसमें अपना आ जाती है, अच्छा लगता है उसके ऊपर, अच्छा लगता है, चलती है, बड़ा मस्त लगता है। नहीं क्या है कि सारा शौक अपना बच्चे के लिए पूरा कर लेती हैं क्योंकि एक बार देखो हम नहीं पहने हैं ना, हम लोग के टाइम पे पता नहीं था कि नहीं था, हम लोग की मम्मी भी नहीं पहनाई है। मैं भी सोचता हूँ एक बार तुम्हारा काम इंतजार कर सकता है लेकिन बच्चे का बचपन इंतजार नहीं कर सकता है, फिर कहते हैं जितना टाइम हो बच्चे के बचपन शायद इंजॉय करिए, काम भी करिए, ऐसा नहीं है सारा शौक ना अपने बच्चे जो हम नहीं पूरा। अभी देखो थोड़ा सा मैं कमजोरी फील करूँ ना, मैं ड्यूटी अब लग चला जाता है लेकिन डॉक्टर ने बोला है ड्यूटी नहीं जाना है, बिल्कुल अभी आराम करिए। मैं अपने ऑफिस में भी जो हमारे कलीग थे उनसे भी बात की, बोले नहीं आप डेंगू पता है पूरे शरीर को तोड़ देता है तो इसलिए आप आराम करिए, आराम चाहिए। जानते हैं हमको कभी हुआ नहीं था, पहली बार हुआ था, हम समझ गए डेंगू ऐसा होता है, पहली बार हुआ था दिल्ली में। रखो सब बाहर क्यों रख रही हो कपड़े, मोड़ के पहले मोड़ लेता हमने रखे हैं, कॉल कर ले पहले मोड़ लो। तो रख रही हैं कपड़े, चार पाँच दिन की बात है फिर तो आ जाए। बाबू का डायपर वगैरह सब रख दो, डायपर वाला हाँ दे रहे हैं। और डायपर वगैरह क्या लेके जाना, लेकिन रख ले रहे हैं एक्स्ट्रा, एक दो ऊपर रख लेना ताकि मान लो एक्स्ट्रा ऊपर हम हमेशा रखते हैं, एक वाइप्स और डायपर ऊपर ना दो तीन हम एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। अच्छी बात है रखना चाहिए, ये पहनाएंगे ना बाबू को निकाल दो, जो पहनाना है निकाल लो बाकी जो रखना है रख लो। ये बाबू को तो इनका बस यही एक ही बैग रहेगा ताकि इनको भी आसानी से अपना उतर जाए, ट्रेन में चढ़ जाए। छोड़ने तो मैं जाऊंगा भाई यहाँ पे, नई दिल्ली से ट्रेन है, अब देख मैंने अब आपके भाई को बोल दिया है कि आप समय से पहले ही पहुँच जाना, वो आ जाएंगे समय पे। उसके पास में आपका दीदी का घर भी है, देखो कोई भी आ जाए भाई समय से, हमारे हस्बैंड अरे सॉरी हमारे वाइफ और बच्चे सही से पहुँच जाए। हमारे हस्बैंड हो जा रहा है कभी कभी ना जुबान चल जाता है, चमड़ी की जुबान है भाई। बाबू का ना टी शर्ट है इसके का, चलो दे रहे हैं, तो अभी धुला नहीं है ना, नहीं धुला है, धुला है कहाँ है, धुल के डाले थे बाहर, चलो लेके आता हूँ तब तक और रख लो। तो ये इनका बैग रेडी हो गया है, नाइटी ले जा रहे भैया, गाँव में बहुत गर्मी है, तो नाइटी लिए थे जाएंगे, कहाँ गर्मी है, मार्केट गए थे दो नाइटी लिए थे, गाँव में सुनने में आ रहा मौसम अच्छा है, नहीं अभी हम सुन रहे हैं कि बहुत धूप है। मम्मी से बात हुई बोली कि वो है क्या बोलते हैं धूप, नहीं मौसम ठंडा था अभी बोल रही थी, दो तीन दिन से धूप हो गया है ना तो गर्मी लग रही है। चलो जो भी है, ये बाबू का ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा लिए हैं तो अच्छा रहेगा ये, अरे अच्छा लिए हैं, अच्छा चॉइस है, हम लोग का तो नहीं लेंगे ये, तो भाई ये हो गया पैकिंग अपने से अपना, जो चीज है तो है अपने से क्या तारीफ, अच्छा लिए तो अभी ना अच्छा है। उठ गए बाबू, आ जाओ सोई थी, क्या हुआ जा रहे नानी के घर, नानी के घर क्या हुआ, बाबू भी आ गई, सोई थी बाबू, मम्मा को डांट देना, तो ओए नहीं ओए मम्मा को डांट देना, अब सो उठी हैं तो इनको पानी नहीं पिलाते हैं। बाबू सोए थे, कितना शांति लग रहा था ना, अब उठ गए अच्छा लग रहा है, जैसा लग रहा कोई घर में खाई नहीं। क्या देखा बाबू आपने, तो अभी सो उठी हैं,
और ये ताला लेके खेल रही है। क्या 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 दे दो पापा को, दे दो पापा लॉक लगा देंगे ना मम्मा के बैग में, मम्मा के बैग में लॉक लगा देंगे ना। या पापा हट जाओ, बोली हट जाओ, बोली हट जाओ, हट जाओ बोलती है। पता है कल बोल रही थी भैया, फिर उसके बाद बोल रही थी दूध, सब बोलेगी धीरे धीरे यार, सब बोलेगी। तो कल क्या बोली थी, दूध बोलो, दूध बोलेगी, दूध दूध सब बोलेगी। आप लोग बोलते हैं एक पाव देखती हुए दोस्तों, बट मैं हर घड़ी कैमरे लेके चालू करता है ना, जब ब्लॉग शूट करता है पापा बाप बेटा लग जाएगा ताला से। तो चलिए गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी इनका देखिए पैकिंग वगैरह सब हो गया है, और बाबू भी हमारे सो के उड़ गए, इनका भी सामान रखा गया है और उनके मम्मा का भी सामान रखा गया, अलमारी पूरा सामान से भरा पड़ा है। तो चलिए वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप लोग, और अच्छे से घर पहुँच जाए मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आपको एडवांस में हैप्पी जर्नी। मेरा कपड़ा मत रखो जी, अच्छा फोल्ड करके वहाँ रख देना। हाँ वहाँ रख दो, उन्होंने कपड़े धुले हैं सारा, मैंने इधर ला के रख दिया है। तो बाहर अभी और भी ऊपर चादर। हाँ तो कोई नहीं, अभी उसको तय लगा लेना, पहले अपना पैकिंग कर लो। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।